दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें, तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। आज की दुनिया में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज की मदद से जीवन बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन अगर हम इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें, तो हमें ये पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजीज मॉडर्न नहीं, बल्कि इनका आविष्कार तो सदियों पहले ही किया जा चुका है। कुछ टेक्नोलॉजीज सदियों पुरानी होने के बावजूद भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज से कई गुना ज्यादा मॉडर्न है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ही बेहतरीन और रहस्यमय एंशियंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो आपको हैरान जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एज ओल्ड ऑटोमेटिक डोर। ऑटोमेटिक दरवाजे दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, सुपरमार्केट से लेकर स्कूलों और अस्पतालों से लेकर दफ्तरों तक। आप शायद अपने जीवन में लगभग हर दिन इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन ऑटोमेटिक डोर्स की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि ये ऑटोमेटिक दरवाजे वास्तव में प्राचीन ग्रीस में ओरिजिनेट हुए थे। मशहूर ग्रीक मैथमेटिशियन हेरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने रस्सियों और पुली की एक सीरीज की मदद से एक ऑटोमेटिक डोर सिस्टम का आविष्कार किया था। यह दरवाजा उन्होंने ग्रीक के एक मंदिर के लिए बनाया था। मंदिर में दरवाजे का खुद ब खुद खुलना एक अच्छा संकेत भी माना जाता था। इसमें पानी को आग से गर्म किया जाता था और कंटेनर में पंप किया जाता था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता था। नंबर 2, ग्रीक फायर। ग्रीक फायर दरअसल बाइजेंटाइन एम्पायर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक हथियार था, और ये कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि ये आग फेंकने वाली एक विनाशकारी मशीन थी। ग्रीक फायर को आज के समय में बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको बनाने का फॉर्मूला हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य इसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों से बचाव के लिए करता था। उन लोगों ने इस 7th सेंचुरी वेपन का इस्तेमाल सालों तक अरब के आक्रमण को रोकने के लिए किया था, खासकर समुद्र में। जी हां दोस्तों, यह हथियार समुद्र में भी आग लगा सकता था। हालांकि ग्रीक फायर पहला आग लगाने वाला हथियार नहीं था, लेकिन यह ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ग्रीक फायर के बारे में वास्तव में सबसे खास बात यह है कि इस पर कब्जा करने वाली सेनाएं भी इसे खुद के लिए फिर से बनाने में नाकामयाब रहती थीं। आज तक कोई नहीं जान पाया है कि वास्तव में इस ग्रीक फायर का विनाशकारी मिक्सचर किस किस इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया था। नंबर 3, अल्टीमेट एंटीडोट। प्राचीन रोम में रहने वाले शासकों के लिए विश्वासघात, हत्या और बैकस्टैबिंग आम बात थी, इसलिए जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत जरूरी था। आमतौर पर शासक खुद की रक्षा के लिए अंग रक्षकों को नियुक्त करना पसंद करते थे, लेकिन रोम के शासक मिथ्रीडेट्स 6 ने अलग तरीका चुना। मिथ्रीडेट्स को डर था कि कहीं उसके किस्मत में भी उसके पिता जैसी मौत न लिखी हो। इस डर के चलते उसने रोजाना जहर का सेवन शुरू किया। वो जहर की खुराक को कम मात्रा में लेता, जिससे कि वो उसके शरीर के लिए घातक न हो। उसका मानना था कि जहर को लगातार नियमित रूप से लेने के बाद उस पर दुश्मनों द्वारा जहर दिए जाने पर कोई असर नहीं होगा। इसी समय के दौरान जड़ी बूटियों और कई दूसरे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक विशेष मिश्रण तैयार किया गया, जो किसी भी जहर के लिए एक एंटीडोट था। इस एंटीडोट को बाद में मिथ्रीडेट के नाम से जाना जाने लगा। नंबर 4, एंशियंट रोमन कंक्रीट। यूं तो प्राचीन रोम रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन प्राचीन रोम से जुड़े सबसे आकर्षक रहस्यों में से एक है उसके मजबूत और सदियों से बने हुए कॉन्क्रीट हार्बर स्ट्रक्चर्स। 2000 वर्षों से समुद्र की लहरों से घिरे हुए ये स्ट्रक्चर्स अभी भी मजबूती से खड़े हैं। आज की मॉडर्न कंक्रीट की तुलना में रोमन कंक्रीट न केवल अधिक टिकाऊ है, बल्कि ये वास्तव में समय के साथ मजबूत होता जाता है। रिसर्चर्स के अनुसार रोमन कंक्रीट चूने और ज्वालामुखी चट्टान को मिलाकर बनाया गया। पानी के नीचे स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए इस मोर्टार और ज्वालामुखी टफ के मिक्सचर को वुडन फॉर्म्स में पैक कर दिया जाता था। इसके बाद समुद्र के पानी और इस मिक्सचर के बीच केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता था। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता था कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट और हाइड्रेट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी तुलना में पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि मॉडर्न कंक्रीट है, ज्यादा मजबूत बॉन्ड नहीं फॉर्म करती है। नंबर 5, डमास्कस स्टील। डमास्कस स्टील, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक प्रकार का स्टील था। स्टील का नाम सीरिया के एक शहर डमास्कस के नाम पर रखा गया है। इसका इस्तेमाल तलवार या तेज धार वाले हथियार बनाने के लिए किया जाता था। यह स्टील भारत से इम्पोर्ट की जाने वाली वुड स्टील की मदद से बनाया जाता था। इन तलवारों का मेन फीचर यह है कि इनमें बैंडलिंग और मॉटलिंग के पैटर्न्स दिखाई देते हैं, जो बहते हुए पानी जैसे लगते हैं। इस स्टील से बनी तलवार बहुत ही सख्त और तेज धार वाली होती है। डमास्कस स्टील के प्रोडक्शन का ओरिजिनल मेथड इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया है, इसलिए वर्तमान में इस स्टील को बनाना बहुत ही पेचीदा काम है। इसके बावजूद कई व्यक्तियों ने दावा किया है कि उन्होंने डमास्कस स्टील को बनाने का ओरिजिनल फॉर्मूला ढूंढ निकाला है। नंबर 6,
स्टीम इंजन। अगर हम इतिहास को गौर से देखें और समझें तो हम ये पाते हैं कि स्टीम इंजन का सबसे पहला जिक्र अलेक्जेंड्रिया के महान आविष्कारक हेरोन ने किया था। उन्होंने इसे एक एनोलिपाइन या विंड बॉल का नाम दिया था। उनके डिजाइन में पानी को एक बड़े से सील्ड मेटल पॉट में रखकर एक हीट सोर्स के ऊपर रखा गया। पानी के उबलने से भाफ पाइप में और फिर हॉलो स्फीयर्स में जा गिरी। भाफ गेंद पर बने दो मुड़े हुए आउटलेट ट्यूबों से निकल जाती है, जिसके रिजल्ट से गेंद घूमने लगती है। अपने डिजाइन में उन्होंने जिस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया वो आज के जेट प्रोपल्शन के प्रिंसिपल जैसा ही है। हेरोन के इस आविष्कार को लोगों ने समय के साथ भुला दिया और न ही इसका सही इस्तेमाल किया गया, लेकिन स्टीम इंजन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1577 फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और इंजीनियर टाक अल दीन द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया, लेकिन टाक अल दीन का स्टीम इंजन हूबहू हेरोन के स्टीम इंजन जैसा ही था, उसमें कुछ नया नहीं था। नंबर 7, वाइकिंग नेविगेशन। दोस्तों, आज के समय में कंपास और बहुत सी टेक्नोलॉजीज की मदद से हम समुद्र के कठिन सफर में भी अपनी मंजिल की तलाश कर लेते हैं, लेकिन करीब 1000 साल पहले जब कंपास का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, तब वाइकिंग्स अपने घर से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर उत्तरी अमेरिका जाते थे। ये क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से भी काफी सदियों पहले की बात है। कुछ सबूतों के जरिए हमें ये पता चलता है कि बहादुर वाइकिंग सूर्य और सितारों की पोजीशंस को पढ़कर नेविगेट करते थे, लेकिन सूरज हमेशा उनका साथ नहीं देता था। कभी कभी अपने लंबे सफर को तय करने के लिए उनको कोहरे और बादलों का भी सामना करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वो अपनी मंजिल पर आखिर कैसे पहुंचते थे? उसका जवाब है सनस्टोन। ऐसा माना जाता है कि वाइकिंग्स के पास एक ऐसा स्टोन था जो घने बादलों में भी सूर्य की रोशनी का पता लगा सकता था। इस लाइट फैक्चरिंग क्रिस्टल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, चाइनाज बिग ड्रिल। हम में से ज्यादातर लोग ड्रिलिंग और हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। हालांकि ड्रिलिंग तकनीक को सबसे पहले चीन के सिचुआन प्रांत की एक सॉल्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में विकसित किया गया था। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इस इन्वेंशन के बारे में मार्क कुरलांस्की की बुक सॉल्ट अ वर्ल्ड हिस्ट्री में विस्तार से बताया गया है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के आने के पहले ही इस क्षेत्र में ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल ब्राइन और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए किया जाता रहा है। 2000 साल पहले सिचुआन प्रांत में चीन ने गहरी ड्रिलिंग की शुरुआत की। चीन की ये ड्रिल्स बहुत गहरी होती थी। चीन में ड्रिलिंग का प्राइमरी एम था नमक की खोज करना, लेकिन समय समय पर ब्राइन की खोज में नेचुरल गैस आमतौर पर मीथेन भी प्राप्त हो जाती थी। चीन में मीथेन का उत्पादन करने वाले बोर होल को फायर वॉल्स के रूप में जाना जाता था, तो इस प्रकार से नेचुरल गैस के लिए ड्रिलिंग की जाने लगी। सही मायनों में ये एक तीर से दो निशाने लगाने का सही उदाहरण पेश करता है। नंबर 9, प्रोग्रामेबल रोबोट। आज के समय में रोबोट बनाने में हमने कितनी ही कामयाबी क्यों ना हासिल कर ली हो, लेकिन 1515 के दशक में एक मैकेनिकल शेर को कंस्ट्रक्ट करना जो चल सकता हो और साथ ही साथ राजा की खिदमत भी कर सकता हो, वाकई में कोई सरल काम नहीं था। लेकिन लियोनार्डो जैसे जीनियस ने ये मुश्किल काम भी कर दिखाया था। उस समय में एक प्रोग्रामेबल रोबोट का बनना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बावजूद भी लियोनार्डो की ये कामयाबी 2000 तक एक रहस्य ही बनी रही, लेकिन अमेरिकी रोबोटिक्स विशेषज्ञ मार्क रोमिस लियोनार्डो के इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने लेकर आए। लियोनार्डो की मशहूर किताब द विंचीज कोड अटलांटिक्स के नोट्स और ड्राइंग के कुछ टुकड़ों को स्टडी कर रोशिम ने बताया कि रोबोटिक शेर क्लॉकवर्क कार्ट मैकेनिज्म से चलता था। इस डिजाइन में शेर के आर्म्स के जरिए उसके मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन द विंची का ये रोबोट इतिहास का पहला रोबोट नहीं था। समय में और पीछे जाने पर पता चलता है कि 13वीं शताब्दी के इंजीनियर इब्र इस्माइल इब्र अल रजाज अल जजारी द्वारा बगदाद में बनाए गए एक प्रोग्रामेबल रोबोट के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने प्रोग्रामेबल रोबोट के रूप में म्यूजिशियंस का ग्रुप बनाया था जो कि बड़े और मशहूर लोगों को एंटरटेन करते थे। नंबर 10, एंशिएंट कैलेंडर। करीब 2004 में नेशनल ट्रस्ट फॉर स्कॉटलैंड द्वारा एंशिएंट साइट पर खुदाई की गई। इस खुदाई से हमें मिला एक कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, एक कैलेंडर, लेकिन ये कोई आम कैलेंडर नहीं है। ये कैलेंडर सिस्टम लगभग 10,000 साल पुराना है और इस वजह से ये दुनिया में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना कैलेंडर है। वॉरेन फील्ड क्रैट्स एबडीन शायर में 12 गड्ढों की एक 50 मीटर लंबी रो मिली है जो स्टोन एज ब्रिटन द्वारा बनाई गई थी और जिनका इस्तेमाल लगभग 8000 बीसी से 4000 बीसी के बीच किया गया था। रहस्यों और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये डिस्कवरीज हमें एक बार फिर से दिखाती हैं हमारे पूर्वज इतने भी प्रिमिटिव नहीं थे जैसा कि हिस्ट्री की किताब हमें बताती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।